सीयूईटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया के बारे में। तो जो लेक्स से क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये है कि लाइक आपसे स्टेट पूछा जाता है एंड उससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो वो पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले लद्दाख यूटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको तीन स्टेट जो है, तीन आपको लेक जो है याद रखने हैं, पेंगोंग सो, सो मोरिरी एंड सोकर। स्पेशली पेंगोंग सो आपको जरूर याद होगा गलवान वैली इंसिडेंट्स के बाद। तो ये जो लेक जो है काफी इंपॉर्टेंट है लद्दाख यूटी से, जो जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर से जो लेक्स है, डल लेक आपको जरूर पता होगा, काफी फेमस है, श्रीनगर में लोग घूमने आते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लेक आपको याद करने हैं, मानसबल, मंसार लेक, शेषनाग लेक एंड वुलर लेक। वुलर लेक के बारे में आपको याद रखना है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और इस वुलर लेक के बारे में आपको याद रखना है कि इस वुलर लेक में आकर के झेलम रिवर जो है आके मिलती है और फिर फाइनली यहीं से झेलम रिवर जो है वो निकलती है। ठीक है, तो झेलम रिवर जो है वो वुलर लेक में मिलती है और फिर वहीं से फिर दोबारा झेलम रिवर जो है वो निकलती है। तो ये आपको याद रखना है इन लेक्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश में देखो काफी सारे लेक्स है, देखो लेक्स बहुत सारे हैं जो जनरली इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने उनको इंक्लूड किया है। अब इसमें से भी जो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको मार्क कर दूंगा। तो हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है भृगु लेक, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कजरी लेक, रेणुका लेक, चंद्रताल, महाराणा प्रताप सागर एंड सूरजताल। तो जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको याद रखना है भीमताल लेक, नैनीताल लेक एंड रूपकुंड लेक, जिसे स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। पंजाब से ये तीन लेक आपको याद रखने हैं, हरिके लेक, कंजली लेक एंड रूपर लेक। ये आपको पंजाब से ये लेक जो है याद रखना है। हरियाणा से अगर हम लोग देखें तो हरियाणा से आपको जो याद रखना है वो है ब्लू बर्ड लेक, ब्रह्म सरोवर एंड सूरज कुंड लेक। इसके अलावा बाकी जो बच गए वो भी आप बेटर होगा कि याद रखो, लेकिन जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है बेल सागर लेक, ठीक है, बाकी दोनों जो बच गए भांडी चाहे भड़ी ताल एंड बड़ुआ सागर ताल, तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड एक्चुअली भोज वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके अलावा आपको इंद्र सागर लेक, ठीक है, इंदिरा सागर लेक जो है आपको याद रखना है, और मोती लेक, सारंग पानी लेक एंड तवा रिजर्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर के 1 और 5 थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई मेजर लेक नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाता हो, मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है। तो जो इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया स्टेट वाइज हम लोग जो देख रहे हैं ना, इसमें जो थोड़े इंपॉर्टेंट स्टेट वाले हैं हम लोग वहीं के लेक देखेंगे। बिहार से आपको ये लेक याद रखना है, कनवर लेक, ये एशिया की ये लार्जेस्ट ऑक्स बो लेक है। कैसी लेक है याद रखना है आपको, ऑक्स बो लेक। अब देखो लेक अलग अलग टाइप की होती है, ऑक्स बो लेक है, टेक्टोनिक लेक है, ग्लेशियल लेक है, ठीक है, लेगून लेक है। तो लेक के जो टाइप्स होते हैं, लेक के जो टाइप्स होते हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा जहां पे मैं लेक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डिस्कस करूंगा, तो वो आप अलग से वीडियो में देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, झारखंड ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में आपको जो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी ज्यादा है वो है ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स एंड रविंद्र सरोवर, ये दोनों थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देवार लेक आप याद कर सकते हो, लेकिन ये दोनों थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है चिल्का लेक, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है ये आपको लैगून लेक है। लैगून लेक क्या होता है कि जो हमारी जो कोस्टल एरिया है ना, वहां पे जो ब्रैकिश वाटर है, ओशन की सी की जो सॉल्टी वाटर है, उससे जो लेक बनता है, वैसी लेक को हम लोग बोलते हैं लैगून लेक, ठीक है। ऑल द टाइप में डिटेल में मैंने डिस्कस किया, देख सकते हो। और ये इंडिया के लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है चिल्का लेक, ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो बिल्कुल इसको तो मिस नहीं करना है। इसके अलावा अनसुपा लेक एंड कंजिया लेक जो है आप ये भी याद कर सकते हो ओडिशा से। नेक्स्ट सिक्किम से अगर आप देखो तो सिक्किम से आपको याद रखना है गुरुदोंग मार्ग लेक, ये काफी एक सेक्रेट प्लेस है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो लेक सोंगमो है और लेक चोलामू है, ये इंडिया के हाईएस्ट लेक है, ये इंडिया के हाईएस्ट लेक है, आपको याद रखना है चोलामू। असम से आपको जो याद रखना है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है दीपोर बोल बेल, दीपोर बेल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। इसके अलावा हैफलोंग लेक, चांदूबी लेक एंड सोन बेल लेक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेघालय से आपको याद रखना है बड़ा पानी या फिर उमाइम उमाइम लेक,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहां से, मेघालय से। अरुणाचल प्रदेश उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेक्स के मैटर से, नागालैंड में भी ऐसा कुछ नहीं है। मणिपुर में देखें तो मणिपुर में बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा गया एग्जाम में, वो है लोकटक लेक। लोकटक लेक ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है। और इसी लेक में प्रेजेंट है क्या, केबुल लामजेओ, ये नेशनल पार्क है ना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इंडिया की सिर्फ इकलौती ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन है, केबुल लामजेओ। और यहाँ पे आप जो है ये कहाँ मिलेगी आपको, तो लोकटक लेक में मिलेगी जो कि मणिपुर में है। मिजोरम में पालकडेल एंड तामदिल, ये दो लेक है, बहुत बार मैंने देखा नहीं है एग्जाम में पूछते हुए, लेकिन आप एक बार याद कर सकते हो। त्रिपुरा कुछ खास इंपॉर्टेंट लेक नहीं है। राजस्थान से अगर आप बात करें तो राजस्थान से जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो याद रख सकते हैं। पहला तो एक पुष्कर लेक, ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक है ना। देखो लेक में भी फ्रेश वाटर हो सकता है जिसको पी सकते हैं, है ना, एंड लेक में भी सॉल्टी वाटर होती है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, ये पुष्कर लेक में गलत हो गया, ये पुष्कर में नहीं, सॉरी ये पुष्कर में नहीं होगा, ये इसको काट दो। पुष्कर लेक याद रखना है, ये जो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक बोल रहा हूँ ना, ये सांभर लेक के लिए है, ये ऊपर नीचे हो गया, सांभर लेक, जो सांभर लेक है ना ये याद रखना है आपको, ये है इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, ठीक है। तो आपको पुष्कर लेक याद रखना है। पुष्कर लेक वैसे फेमस है, ये थोड़ा सा रिचुअल एंगल से, रिलीजियस एंगल से ये थोड़ा सा फेमस है राजस्थान का। सांभर लेक याद करना है, सॉल्ट लेक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है नक्की लेक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय सागर और राणा सागर लेक याद रखना है, बाकी जो बच गया वो भी याद रख सकते हो, लेकिन ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो याद रखना है, वो है तो सरदार सरोवर लेक, ये याद रखना है आपको, थोल लेक याद रखना है, इसके अलावा नाल सरोवर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ये इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है, इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है, ये याद रखना है आपको। अब बाकी जो बच गए, हमीर सागर एंड सुर सागर लेक, और यहाँ पे आपके वस्त्रपुरा लेक, ये याद रख सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र से आपको जो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, लोनार लेक, लोनार एक क्रेटर लेक है, याद रखना है, कैसा लेक है, क्रेटर, ये हमारे अर्थ में एक जो है एस्ट्रॉयड आकर के हमारे अर्थ पे गिरा, फाइनली उससे जो क्रेटर वगैरह जो बना तो उसके थ्रू, ठीक है, ये लेक बना है, तो लोनार लेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो है शिव सागर लेक एंड सलीम अली लेक महाराष्ट्र से, आप ये याद रखना है, और ये दोनों एक जो है देख सकते हो आप, गोवा इंपॉर्टेंट उतना खास नहीं है लेक के मैटर में। कर्नाटका से अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका से आप ये जो लेक्स जो है इसमें से उल्सूर लेक जो है, ठीक है, फिर पंपा सरोवर लेक और अगाड़ा लेक, ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो, बाकी जो है उसको भी देख सकते हो, लेकिन ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। केरला, केरला से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स आते हैं, दैट इज अष्टमुदी लेक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। आपने मे बी कुछ मूवीज में या रियल लाइफ में देखा होगा कि एक बोट रेस ऑर्गेनाइज होती है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक नाव पे बैठ के 100 लोग, काफी सारे हंड्रेड ऑफ पीपल बैठ करके एक रेस करते हैं, तो ये रेस ना ये वेम्बनाड लेक में होती है, ठीक है, तो याद रखना है आपको, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होती है वेम्बनाड लेक में, क्योंकि ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। इसके अलावा आपको यहाँ से पेरियार लेक जो है याद करना है। अब बाकी जो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो दूसरे जो लेक्स है इसको आप देख सकते हो, ठीक है, इसको देख सकते हो, लेकिन ये दोनों तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में से बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो कोडाईकनाल, एक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है कोडाईकनाल लेक, आपको याद रखना है। इसके अलावा रेड हिल लेक या पुजल इसको बोलते हैं, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा आप देखोगे कैली वेली लेक, तो ये लेक इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर लेक्स की मैं बात करूं तो ऊटी लेक, चिबाबड़म कम लेक, सिंगा नालडू लेक, और बाकी ये जो लेक है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, ये थोड़े ठीक ठाक है, बहुत बार पूछा नहीं गया है। जैसे मैं कोडाईकनाल के बारे में बोल सकता हूँ कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कलिवेली लेक जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आंध्र प्रदेश से दोनों लेक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है, तो आप अगर 10 पेपर देखोगे ना तो 10 पेपर में से आपको 5 या 6 पेपर में ये दोनों लेक नाम दिख जाएंगे आपको, कौन कौन से, पुलिकेट पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। पुलिकट लेक के बारे में एक बात मैं बताऊं, तो आप जब इसको देखोगे ना तो कहीं कहीं पे आपको इसको तमिलनाडु आंसर दिख सकता है, यहाँ पे पुलिकट लेक कहाँ है तो कहीं कहीं पे आंसर दिख सकता है तमिलनाडु। रीजन इसका ये है कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, नीचे में यहाँ पे तमिलनाडु है, ऊपर में यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और इसके बॉर्डर एरिया में है,
ठीक है, तो दैट्स व्हाई कभी कभी आपको पुलिकट लेक का लोकेशन तमिलनाडु दिख सकता है, लेकिन जो लेक का मेजर पार्ट है, लेक का जो मेजर पार्ट है वो है आंध्र प्रदेश में, इसीलिए जनरली आंध्र प्रदेश ही कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, जो लेक का से फॉर एग्जाम्पल 90% पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा पार्ट जो है आपकी तमिलनाडु में है, लो इसीलिए हम लोग इसको जनरली आंध्र प्रदेश ही कंसिडर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको ये तमिलनाडु दिख जाए। और इस लेक के बारे में बताओ अगर आपको, तो चिल्का लेक जो है वो इंडिया के लार्जेस्ट लगून लेक थी, चिल्का लेक उड़ीसा में, और पुलिकट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है, याद रखना है आपको, पुलिकट लेक सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोलेरू लेक। कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, या फिर आपने जरूर सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना, हमारे काफी सारे जो रॉकेट्स वगैरह है वो सैटेलाइट्स लेके स्पेस में जाते हैं, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ना ये आपके कोलेरू लेक में ही एक आइलैंड वहां पे प्रेजेंट है, आइलैंड जो है वहां पे प्रेजेंट है, तो याद रखना है कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक के बारे में एक चीज ये बोला पूछा जाता है कि ये कौन से दो रिवर के बीच में है, तो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में है, गोदावरी कृष्णा। तेलंगाना में आपको जो लेक्स याद करने हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बात करो तो नागार्जुन सागर बहुत बार पूछा गया है, इसके अलावा हुसैन सागर, उस्मान सागर, ठीक है, हिमायत सागर एंड संप्रित लेक, तो इसमें से नागार्जुन सागर और हुसैन सागर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये दोनों। तो फाइनली हमारी जो लेक्स जो है, लेक्स यहीं तक था जो इंपॉर्टेंट लेक्स पूछे जाते हैं। अब ये लेक्स डिस्कस करने के टाइम में मैंने काफी सारे लेगून लेक, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट लेक, ये सब मैंने टर्म्स यूज किए हैं, तो ये सब लेक्स अलग अलग टाइप क्या होती है ये टाइप को अलग से एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड क्या होती है, वेटलैंड रामसार जो साइट्स जो होती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी अलग से वीडियो आएगी रामसार साइट्स की, तो आपको उसको भी देखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, डाउट क्वारी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ के डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक यू।